दोस्तों, एक ऐसा रहस्यमय चेहरा जिसे पिछले 500 सालों से पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। 500 सालों पहले इटली के एक फेमस पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम है मोनालिसा। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको मोनालिसा के बारे में कुछ ऐसे चीजें बताने वाली हूँ ना, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखो, ये है मोनालिसा की पेंटिंग। अगर आप इस पेंटिंग को गौर से देखोगे ना, तो आपको समझेगा मोनालिसा की स्माइल अलग अलग एंगल से डिफरेंट नजर आती है। यानी मोनालिसा को अगर आप पहली बार देखोगे ना, तो आपको वो कुछ ऐसे दिखाई देगी, लेकिन अगर आप उसे गौर से देखोगे तो उसकी स्माइल धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है और बाद में तो गायब ही हो जाती है। एक रिसर्च ने तो ये बताया है कि मोनालिसा की स्माइल में कोई चेंज नहीं आता, बल्कि उसे देखने वाले आदमी का माइंडसेट बदल जाता है। यानी मान लो आप खुश हो तो मोनालिसा की पेंटिंग आपको खुश दिखाई देगी, और वहीं आप सैड हो तो मोनालिसा की पेंटिंग आपको सैड नजर आएगी। वहीं एक रिसर्च से तो ये भी पता चला है कि मोनालिसा की पेंटिंग के अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं, इसीलिए तो उसकी स्माइल इतनी मिस्टीरियस दिखाई देती है। मोनालिसा की पेंटिंग पहले इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी तब हुई जब 1911 में ये पेंटिंग पेरिस के म्यूजियम से चुराई गई थी। और ये पेंटिंग उस म्यूजियम के वर्कर्स ने ही चुराई थी, वो उसे अपने देश इटली लेकर जाना चाहता था। लेकिन कुछ सालों बाद ये पेंटिंग इटली से फिर से पेरिस में ही लाई गई। आज मोनालिसा के बहुत सारे जुड़वा पेंटिंग्स भी मौजूद है, जो कि सेम टू सेम मोनालिसा के जैसे ही दिखाई देती है। दोस्तों, ये पेंटिंग इतनी पॉपुलर एंड कीमती है कि ब्लैक मार्केट में इसके इतने पैसे मिलेंगे ना कि आप इन पैसों से पूरा का पूरा शहर ही खरीद सकते हो। वक्त वक्त पर बहुत से चोरों ने पेंटिंग चोरी करने की कोशिश भी की थी। कहा जाता है कि उनमें से कई चोर पेंटिंग चुराने में कामयाब भी हो गए थे। वाह भाई वाह! और असली पेंटिंग को नकली पेंटिंग में बदल दिया, और आज जो हम मोनालिसा की पेंटिंग देखते हैं ना, असल में वो असली पेंटिंग नहीं बल्कि उसकी हूबहू कॉपी है। और असली पेंटिंग कहाँ है ये किसे भी नहीं पता, और इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकती, क्योंकि इस पेंटिंग को छूना और इस पर जात पर्दाज करना सख्त मना है। तो दोस्तों, म्यूजियम में जो पेंटिंग है वो रियल है या फेक, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो जल्दी से मुझे कमेंट कर बता दो। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पे लेते हैं अलविदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Till then, bye-bye.